हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हो? स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, मैं आ गया हूँ महाबोधि टेंपल पर। तो सामने यहाँ पर आप मोबाइल और शू जमा कर सकते हैं। तो ये है शू काउंटर और ये मोबाइल का काउंटर। पहले आप मोबाइल जमा करो यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एक शू काउंटर है, यहाँ पर आप अपना शू रख के अंदर जा सकते हो। तो चलते हैं फिलहाल अंदर। ये है मंदिर का गेट। तो ये है चेक इन पॉइंट। तो गाइज, आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाऊंगा। ये है मंदिर का ऊपर का चूड़ा, 250 केजी का सोना है यहाँ पर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी चलते हैं अंदर जो महाबोधि टेम्पल है उसका गेट। तो ये है मेन टेम्पल का पूरा गेट, और ये मंदिर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत फ़ोटो खींचना फेमस है। यहाँ पर सब टूरिस्ट आते हैं, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और बहुत सारा देश से आते हैं। आप लोग जानते हो बहुत फेमस है इसलिए ये टेम्पल। तो यहाँ पर फ़ोटो खींचने का जो जगह है। और अभी चलते हैं अंदर, ये अब मंदिर को थोड़ा आपका दर्शन कराता हूँ। ये आप देख सकते हो एक बार मंदिर का नज़ारा। तो गाइज, ये है महाबोधि टेम्पल का आसपास का नज़ारा, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षुक है यहाँ पर आ रखे हैं, और यहाँ पर ये सब मेडिटेशन और प्रेयर कर रहे हैं। तो ये जो सीन है, जो नज़ारा है, वाकई बहुत बहुत अच्छा आपको लगेगा अब जब आओगे। तो सामने आप देख सकते हो ये जो फेमस ट्री है, ये है महाबोधि ट्री, और यहाँ पर सब प्रेयर कर रहे हैं। ये बहुत फेमस सीन है। यहाँ पर बैठ के ही गौतम बुद्ध ने यहाँ पर मेडिटेशन किए थे, और यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो ये बहुत फेमस एक जगह है, और ये ट्री को सब बहुत मानते हैं। यहाँ पर पूजा होता है, तो आप देख सकते हो थोड़ा इसका एक झलक आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो दीक्षा लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी सब आए हुए हैं, एक लाइन करके ये सब पूजा दे रहे हैं, यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं फिलहाल। तो ये बहुत फेमस सीन है यहाँ का, और बहुत अच्छा लगता है इन लोगों का जो कल्चर है, जो विश्वास है, ये बहुत बहुत भाता है मन को, बहुत शांति मिलता है। तो अब तो देख सकते हो सब लोग यहाँ पर बैठ के उनका ध्यान कर रहे हैं, और बाकी सब लोग आए हुए हैं, बहुत बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभी सब भिक्षुक का या जो यहाँ पर रहते हैं उन लोगों का, सबका यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है। उन लोगों का जो कल्चर है, इनका एक अलग अलग शांति मिल रहा है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको जो दिखाया अभी पूरा आसपास का नज़ारा। तो हर साल यहाँ पर लगभग लाखों लोग आते हैं, और हर महीने आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना लोग है, कितना लोग यहाँ पर दीक्षा लेने आए हैं, यहाँ पर मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाने आए हैं, मेडिटेशन के लिए आए हैं। तो इस जगह पर एक अलग फीलिंग्स है, और ये सब देख सकते हो आप यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं सब। और ये है टेंपल का लाइव किचन। तो यहाँ पर लाखों लोग का खाना बन रहा है,
सुबह से यहाँ से मतलब सुबह से लगभग शाम तक यहाँ पर खाना, रात तक खाना बनते ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। तो ये जगह भी बहुत फेमस है, तो एक बार आपका किचन का दर्शन मैं करा दिया, शायद आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर सब रहते हैं जो यहाँ पर किचन पर काम करते हैं, और जो यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं इसके लिए भी कुछ इस जगह है ताबू गाड़ के, यहाँ पर सब लोग अभी रह रहे हैं। और इस मंदिर का जो हाइट है आप देख सकते हो, इस मंदिर का हाइट करीब 180 फुट है, जो हो बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है। और आप सब लोग जानते हो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान दिया गया है। So sir, I have a question that what is in Bodh Gaya to attract people? Well, this is the Buddhist pilgrimage site really. I mean, it's the main one. We haven't got many in Buddhism. And the enlightenment is the important one. This is what we're all trying to get to. So this is the one that represents it. The stupa represents the mind of enlightenment. So it's kind of a symbol of where we're all trying to be. So it's like inspiration. Inspiration gives you a bit of power, you know, gives you a bit of a boost. And you'd certainly get that here. So many people all kind of going in the same direction spiritually, not in a worldly direction, which we always find at home, you know. So you get a real sense of the Sangha here. Yeah, yeah, community, you know, practicing together, big family. और गाइस अब ये जो देख सकते हो बौद्ध स्तूप बोलते हैं इसको, ये स्तूप इस है एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो बहुत कुछ सिंबल बताता है इसमें। और इस मंदिर स्थापित किए थे सम्राट अशोक ने, उनका समय पर इस मंदिर का जो स्थापन हुआ था। तो फिर इसका जो अभी इस समय पर भारत सरकार ने बहुत पैसा खर्च करके इस जगह को बचाया, क्योंकि इस्लामी शासन पर इसका आक्रमण हुआ था और इसका प्रॉब्लम हो गया था, कुछ मतलब ख़त्म हो चुका था करीब। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत जो धर्मावलंबी है यहाँ पर सब मिलके इस मंदिर पर मंदिर को बचाया था सब। तो अभी ये भारत सरकार के हाथों में है और ये इस जगह को हम सबको देखना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और आप लोग भी इसका रक्षा करें, यही चाहता हूँ। तो इस महाबोधि ट्री इस मंदिर का वेस्ट साइड पर स्थापित हुआ था। तो और इसका पाली शास्त्र में इस ट्री का जो एक नाम है ये है बोधिमंड। ये रहस्यमय महाबोधि मंदिर, इसका जो अर्थ है ये जागृत मंदिर बोलते हैं बौद्ध धर्म का। तो ये रहस्यमय बौद्ध मंदिर का जो स्थान है ये कुछ रिकवर किया गया था, क्योंकि ये मैं आपको बोल चुका हूँ इस्लामिक जो धर्मावलंबी है ये सब, इनके बदौलत कुछ यहाँ पर आक्रमण हो गया था। तो बाद में ये थोड़ा यहाँ पर रिकवर करके ये ठीक ठाक किया गया है सरकार के द्वारा। और फिर और ये कांच जो आप पेड़ आप देख रहे हो ये एक असली पीपल गाछ है इसको। और ये जगह लगभग 2000 साल से ज़्यादा ये हिंदू तीर्थ क्षेत्र का एक महात्मा जगह है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है कि लोकमुख में यहाँ पर प्रचार है, अगर ये पीपल पेड़ यहाँ पर नहीं रहता तो यहाँ पर एक भी पेड़ और कोई भी एक भी पेड़ यहाँ पर नहीं उगता। और हालांकि यहाँ पर जो घास फूस है वो भी नहीं उगता, और यहाँ पर जो प्राणी है मतलब जो पशु प्राणी है यहाँ पर नहीं रह सकता था। और भी एक बात बताया गया है यहाँ पर कि ये पृथ्वी का एक नाभि है, मतलब एक पृथ्वी का पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल है। माना जाता है कि इस पूरा टेंपल के चारों तरफ अगर आप एक चक्कर लगा सकते हो तो
आपका शुभ होगा, आपका जो मन में अगर कुछ प्राप्ति है या कुछ आप चाहते हो तो सब कुछ यहाँ पर पूर्ण हो सकता है, तो यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर जो भी आता है एक बार पूरा टेम्पल का चक्कर लगाते हैं और ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक बहुत फेमस लेक है, ये है मूछलिंडा लेक। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है यहाँ पर कि भगवान बुद्ध यहाँ पर 7 हफ्ता यहाँ पर स्पेंड किए थे इस लेक के ऊपर, और यहाँ पर ध्यान किए थे उन्होंने। तो इस यहाँ पर पद्मा उगते हैं और यहाँ पर जो ये फेमस है इसलिए क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने यहाँ पर मेडिटेशन किए थे। तो यही है पूरा इस जगह का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये टेम्पल जो आपने देखा है अभी? तो मैंने पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताया, शायद आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल इस ब्लॉग को शेयर कीजिए और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो चलते हैं, और खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग।